सवाल में पूछा है कि जो लोकल ऑडिट है लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स के बाकी के उसके लिए लोकल ऑडिट फंड एक इदारा है जो 1972 में कायम हुआ था. अब ये ऑडिट जो फंड है ये इदारा है वो 2 मार्च 2009 इससे काम से रोक दिया गया है. हालांकि पंजाब में है सिंध में है और इससे ये होगा कि बर्डन भी कम होगा. बाकी इदारों पर जो काम ज्यादा है अगर इस इदारे से काम लिया जाए बाकायदा स्टाफ है लोग है तो मुझे बताया जाए. मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा है कि एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसको रोका है हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं. अभी ये कोई 11 साल से गुज़श्ता 11 साल से इसके इख्तियारात मुंजमित किए गए. इसकी वजह क्या है मिनिस्टर साहब इससे बाखबर है या अभी तक नहीं है? वादा कर लिया कि इसको हम देख लेंगे और मेरी गुजारिश होगी कि इस इदारे को आप एक्टिव करा दें ताकि आसानी रहे. दीगर जो हमारे इदारे हैं लोकल कौंसल के चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल है चाहे यूनियन कौंसल है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके ऑडिट वगैरह ये इनसे आप काम ले लें. तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ कि पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सूबे बलूचिस्तान के ज़ेर तालीम तलबा की नशस्तें ख़त्म की जा रही हैं और साथ ही इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बंद किए जा रहे हैं. बैन पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा ने लॉन्ग मार्च भी शुरू किया है. हुकूमत ने इस बाबत जो इकदाम उठाए हैं इनकी मुकम्मल तफसील फराहम की जाए. मिस्टर स्पीकर अगर मुझे कुछ बोलने दें फिर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे. ऐसा है कि पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में माजी में वहाँ माजी की जो हकूमत थी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब के बिलखसूस फिर मुल्तान की बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में वहाँ हमारे सीटें थी और वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वहाँ जा रहे थे. अब वहाँ की हकूमत ने पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और बिलखसूस बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर साहब ने हमारी इन सीटों को एक लिहाज से ख़त्म किया है उनका प्रोग्राम को ख़त्म किया है और जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा था वो भी बंद किया. इस सिलसिले में आपने देखा कि एक लॉन्ग मार्च मुल्तान से डेरा गाजी खान लोरलाई क्विटा आया एक अभी मुल्तान से लाहौर पहुंचा है और वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं. अब हमारे जो स्टूडेंट बेचारे हैं वो पढ़े या फिर वो सड़कों पे जो है ना वो जो है ना सड़कों पे चलते नजर आए तो ये बड़ा अलार्मिंग पोजीशन है. वहाँ पे हमारे एमएस के बीएस के स्टूडेंट है बेचारे 15 रोज से वो पैदल चल रहे हैं. अभी मुल्तान से क्विटा आना पैदल मुल्तान से लाहौर इस्लामाबाद पैदल जाना हाईवे पर ऑक्सीडेंट का खतरा है गर्मी भी है सर्दी भी है रात का टाइम है उनके खाने का बंदोबस्त नहीं है अभी वहाँ पे उन पर हमला भी हुआ था. तो मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि वो इस हवाले से संजीदा इकदाम उठाए इनकी स्कॉलरशिप बहाल करें उनकी सीटों को जो कम किया गया है वो दोबारा बहाल करें. पंजाब के गवर्नर से उनसे मुलाकात की जाए पंजाब के वज़ीर आला से मुलाकात की जाए. जब हम इस फेडरेशन का हिस्सा है जब हम इस मुल्क के रहने वाले हैं तो हमें हक है कि कम से कम हमारी पसमानदगी को देख करके हमारे बच्चे वहाँ सुकून से तालीम हासिल कर सकें. असम्बली कवायद इंजबात कार मजरिया 1974 के कायदा नंबर 70 के तहत जेल तहरीक इल्तवा का नोटिस देता हूँ. तहरीक ये कि 25 सितंबर 2020 को अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकजई को चमन से क्विटा आते वक्त कुछ लाख से आगे अगवा किया गया जो ताहाल बाजियाब नहीं कराए जा सके. इसी तरह बोस्तान निलई के मकाम पर ताजर उमर खान सलेमानखेल को भी अगवा किया गया था. लिहाजा असम्बली की आज की कार्रवाई रोक कर इस अहम और फौरी अवामी नौयत के हामिल मसले को जेर बैस लाया जाए.